कहानी उस कप्तान की जिसने भारतीय टीम को सिखाई दादागिरी, लगातार घमंडी होने का आरोप। भारतीय क्रिकेट टीम में कई महान कप्तान हुए, उन्हीं में एक थे यानी सौरव गांगुली, जिन्हें लोग प्यार से दादा बुलाते हैं। दादा दूरदृष्टि रखने वाले कप्तानों में से एक थे। दादा भारतीय क्रिकेट इतिहास के अधिक समझदार और दमदार कप्तान रहे हैं। इन्होंने ही भारतीय टीम को दादागिरी सिखाई। सौरव गांगुली यानी दादा ने विदेशी धरती पर भारत को जीत का स्वाद चखाया। सौरव गांगुली ने विरोधी टीमों की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करना सिखाया। दादा ने ही सहवाग, युवराज और धोनी जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका देकर देश की सर्वश्रेष्ठ टीम की नींव रखी थी। आज उनके जन्मदिन के मौके पर जानते हैं उनकी कहानी के बारे में। फुटबॉलर बनना चाहते थे सौरव गांगुली। सौरव गांगुली का जन्म 8 जुलाई 1972 को कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य थे, इस वजह से उनका ग्राउंड पर आना जाना था। वह क्रिकेट से ज़्यादा फुटबॉल को पसंद करते थे और एक फुटबॉलर बनना चाहते थे। 10वीं तक उन्होंने फुटबॉल खेला। उनकी शैतानी की वजह से उन्हें क्रिकेट ग्राउंड पर भेजा जाने लगा और उनकी इस तरीके ज़िंदगी में क्रिकेट का प्रवेश हुआ। नई भारतीय टीम की रखी नींव। साल 2000 में जब भारतीय क्रिकेट में फिक्सिंग का खुलासा हुआ तो टीम का भविष्य अंधेरे में खोने जा रहा था। सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी करने से मना कर दिया। तब सौरव गांगुली ने आगे बढ़कर टीम की कमान थमी। दादा की कप्तानी में भारतीय टीम का नया अध्याय शुरू हुआ। विरोधी टीमों को उनके घरों में मात देकर भारतीय टीम के नाम डंका बजाया। दादा ने भारतीय टीम को दादागिरी सिखाई, जिससे टीम बेखौफ होकर खेलने लगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।